चले गए हम सबको छोड़ करके। मैया को खबर पहुंची तो मैया यशोदा रोती हुई आई और आकर के यमुना पर जोर जोर से आंसू बहाने लगी, कहने लगी कन्हैया कि आज यशवन की लागी जड़ी, मैया यमुना पे रोवे खड़ी, हाय मैया यमुना पे रोए नहीं खड़ी। धरोवर के रूप में रखा है, देवकी का पुत्र है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे क्या उसको क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी कन्हैया। तुम चले हो छोड़ के बेटा टुकड़ा हो बम जाने की, देखा मैया और गोपियां इतना रुदन कर रही हैं, ऊपर कुछ कहा नहीं जाता है। भगवान कन्हैया ने इधर क्या किया कि उस कालिया के फन पे सवार होकर आज उससे कहा है कि देखिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, अगर तुम क्षमा चाहते हो तो एक काम करो, तुम हमें मेरे घर तक पहुंचाओ तब हम तुमको जाकर क्षमा। कालिया ने देखा बोले ठीक है प्रभु, हम तुमको आपके घर तक पहुंचाएंगे।
आज फन पे सवार करके मधुर मुरली तान में बजाते हुए कन्हैया बांसुरी को आज यमुना के ऊपर जैसे ही आए, कन्हैया को देख करके सभी ग्वाल बाल अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगते, जय जयकार करने लगते कि कन्हैया मेरा वापस आ गया, सबका शबनम जिया खुश हो गया है। देवता पुष्प बरसाने लगे कन्हैया की ये लीला देख करके। अब देखा वो कालिया कहने लगा कि प्रभु अब तो हमें छोड़ दो, अब मुझे जाने दो। भगवान कन्हैया ने देखा बोले मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन इसमें नहीं, अब तुम एक काम करो ये काली दह छोड़ करके तुम अंत कहीं चले जाओ। कालिया ने जैसे शब्द सुने तो घबरा गया, बोले भगवान ऐसा मत करो, मेरा घर मुझसे मत छीनो। बोले क्यों? हम इसलिए कह रहे हैं तुमसे, कन्हैया बोले, कि तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम्हारे जहरीले ये जो पानी तुम्हारे जहर से बड़ा जहरीला हो चुका है, तो इसमें जो भी कोई पानी पीता है या नहाता है तो वो उस मौत को प्राप्त हो जाता है, तो ये हत्याएं हो रही हैं, ऐसा करो ये सब जहर लेकर के तुम यमुना का कहीं और चले जाओ। कालिया कहने लगा नहीं जाऊंगा भगवान। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले संकट है। कैसा संकट? ये कालिया जो था, महाराज कश्यप के 13 पत्नियां थी, इसका कारण जो था यमुना में रहने का, किस लिए ये रहता था, क्या इसको किसका डर था? महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिनमें से दो का नाम था कद्रु और बिनता। कद्रु से गरुड़ और अरुड़ का जन्म हुआ और बिनता से नागों का जन्म हुआ। तो एक दिन की बात है कि कद्रु बिनता में बयस हो गई। बिनता बोली कि देखो बहन, सूर्य जब सुबह निकलते हैं तो एकदम काले होते हैं। कद्रु बोली नहीं बहन, ऐसा तो नहीं हो सकता, सूर्य जब सुबह निकलते तो एकदम लाल होते हैं, काले नहीं होते हैं। लेकिन वो नहीं मानी, नहीं मानी। कद्रु कहने लगी ऐसा करो बहन, जब हमारे पुत्र घर पे आ जाएं तो उनसे पूछ लेना सूर्य काले होते या लाल होते, वो बता देंगे। बिनता बोली ठीक है। अब देखा जब कद्रु के बेटे गरुड़ भगवान जब आए तो मैया को चिंतित पाया। बोले मैया तुम बड़ी असमंजस में हो, क्या बात हो गई आखिरकार? तो कद्रु बोली बेटा बात ये हो गई कि बिनता और मुझ में बहस छिड़ गई। कैसी? कि बिनता कहने लगी सूर्य जब सुबह निकलते हैं तो एकदम काले होते हैं, लेकिन मैंने कह दिया सूर्य सुबह निकलते तो लाल होते हैं। गरुड़ भगवान कहने लगे मैया तुम तो जीत जाओगे, कि सूर्य काले नहीं होते, लाली होते। अब बिनता के पुत्र पहुंचे नाग सर पर, तो उनसे पूछा कि तुम्हारी मायूसी का कारण क्या है? तो बिनता बोली ये कारण है कि कद्रु हमें बहस हुई, हमने कहा सूर्य काले होते लेकिन वो कहती सूर्य लाल होते। तो सर्प कहने लगे मैया तुम तो हार जाओगे, तुमने गलत कहा है, सूर्य काले नहीं लाली होते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जिता करके रखेंगे। सर्प कहने लगे अब जब सुबह सूर्य निकले तो एकदम लाल निकले। गरुड़ भगवान बोले देखो मैया सूर्य लाल है, तुम तो जीत गई। और थोड़ी देर बाद क्या देखा बिनता ने कि देखो बेटा मैं तो हार गई, सूर्य लाल निकले हैं। सर्प बोले चिंता ना करो, अभी हम तुम्हें जिता रहे हैं। उन्होंने उड़ान भरी, जाकर के सूर्य भगवान के चारों तरफ लिपट गए, तो एकदम अंधेरा छा गया, अंधकार हो गया, सूर्य एकदम काले नजर आने लगे। कद्रु कहने लगी देखो बेटा मैं तो हार गई, सूर्य काले हैं। गरुड़ भगवान ने देखा नहीं है तो हो ही नहीं सकता सूर्य काले हैं, अभी मैं जाकर के देखता हूँ, उसमें जरूर कोई छल कपट किया गया है। गरुड़ भगवान ने जाकर के वहां देखा तो उनके भाई बड़े बड़े सर्प काले लिपटे हुए भगवान भास्कर के, उनसे ये देखा नहीं गया, क्रोध में आए क्योंकि भगवान का इतना बड़ा अपमान इन दुष्टों ने किया, सोचा ना समझा छल किया, रुको अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। गरुड़ भगवान ने एक एक को पकड़ करके अपने पंजों से चीड़ फाड़ करना शुरू कर दिया और फेंकने लगे। जब सबको मार डाला उसमें से एक बचा था जिसका नाम था कालिया, वो अपने प्राणों को बचाता हुआ भागता हुआ आकर के काली दह में कूद गया।
काली दे में कूद गया गरुड़ भगवान, कहने लगे दुष्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब भी तू बाहर आएगा मैं तुझे खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा, कब तक तू पानी में रहेगा। वही कारण था गरुड़ भगवान के डर से वो कालिया बाहर नहीं जाता था। गरुड़ और सर्प का बहुत बड़ा वैर है, तो कहने लगे भगवान कन्हैया बोले कि हे कालिया अब तुम चिंता किसी बात की मत करो, क्योंकि गरुड़ अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गरुड़ जो है वो हमारी सवारी है और मेरे पद चिन्ह तुम्हारे सर पर जो निहारेंगे तो तुमको नुकसान नहीं बल्कि प्रणाम करके चला जाएगा, और तुम मेरा कहना मानो, अपने परिवार को लीजिए और लेकर के ये काली दे को छोड़कर रमणीक दीप पर्वत पर निकल जाओ, इसी में भलाई है। भगवान की बात मान करके आज कालिया अपना कल्याण पा करके प्रभु के दर्शन करके परिवार सहित काली दे को छोड़ करके आज रमणीक दीप पर्वत पर निकल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया ने जाकर के दामा को गेंद दी और वो पुष्प जो एक छपरिया मंगवाए थे भोजराज कंस ने आज जाकर मथुरा में भिजवा दिया। फूलों को देखकर आज वो गुस्से में आ गया, बोले मैंने तो सोचा था कि उसका अंत हो गया होगा, लेकिन एक छपरिया के बजे दो छपरिया फूल तोड़कर भेजे और उसका कुछ भी नहीं हुआ। हाय 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 हाय, इधर ये भी बात खाली हो गई, ये भी काम उसका बेकार हो गया, ये भी चाल नहीं उसके साथ में चली गई भगवान कन्हैया के साथ में। स्वयं भगवान परिपूर्ण ब्रह्म योगेश्वर कृष्ण चंद्र जिसके सामने सारी सृष्टि नतमस्तक होती है तो उससे एक इंसान का क्या वैर चल पाएगा। आज देखा सबने आज खुशी मनाई कन्हैया को वापस लौट करके। मैया ने कहा ओ कन्हैया तू काली दे में गया तुझे कुछ हुआ नहीं? बोले मैया मुझे क्या हो सकता है? बोले कालिया ने तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया? बोले नहीं। बोले मैं गया और जा करके मैंने मामा भोजराज कंस का जैसे उसे नाम बताया, मतलब मैया से ऐसा